नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई के तमाम अभ्यर्थी जो हैं यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस बात से कर रहे हैं क्योंकि सीटेट डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट का भी बीपीएससी में रिजल्ट दे दिया गया है। वहीं से डीएलईडी के जो डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट हैं उनका भी बीपीएससी टीआरई में रिजल्ट जो है दिया गया है। लेकिन अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कहना है कि पारदर्शिता जो है कैसे है, जब सीटेट और डीएलईडी डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट भी बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाइड है तो फिर कैसे क्लियर है। इसके लेकर के तमाम अभ्यर्थी जो है आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन। मामला ये है कि अतुल प्रसाद सर बोले थे कि रिजल्ट में पारदर्शिता रहेगी, रिजल्ट में कहीं भी पारदर्शिता नहीं दिख रही है सर। किसी का उच्च माध्यमिक में प्राइमरी तीनों में रिजल्ट है और किसी का एक भी में नहीं है। पहले बोले थे सर कि पहले हम उच्च माध्यमिक का देंगे, उसके बाद माध्यमिक का देंगे, फिर हम प्राइमरी का देंगे। कल तक ऐसा हुआ है सर। अब क्या हुआ सर कि उच्च माध्यमिक का अभी कुछ एक सब्जेक्ट का रिजल्ट देना बाकी ही था, तब तक प्राइमरी का दे दिए। और प्राइमरी का दे दिए तो सर पता नहीं चल रहा है किसका हुआ किसका नहीं हुआ, उसमें क्या कट ऑफ है क्या नहीं है, उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। उसमें केवल नाम दे दिए हैं और रोल नंबर के साथ दे दिए हैं, कट ऑफ कोई क्लियर नहीं है। और सर कल जब वो पीसी किए तो उसमें बोले कि हम ये डीएड अपियरिंग वाले का भी रिजल्ट दे रहे हैं प्राइमरी में। सर ये वेरिफिकेशन हुआ उसका कि उसने डीएड पास किया या नहीं पास किया? कई एक ऐसा छात्र है जो सीटेट फेल है, बीपीएससी पास है, जब वो सीटेट फेल है तब उसका रिजल्ट कैसे है, कैसे हो गया? सर यही सब मुद्दा लेके आज हम लोग धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं कि जो भी इसमें ये मामला है, मुद्दा है, उसको पारदर्शिता के साथ हम लोग के सामने रखा जाए। क्योंकि हम लोग सर पिछले 4-5 साल से इसी के लिए, अब सर हम डीएड एस्पायरेंट है, हम 9-10 में तो नहीं जा सकते हैं, 11-12 में तो हम नहीं भर सकते हैं, हमारे पास तो यही एक ऑप्शन है। मेरा सर मेरे कैटेगोरी में मेरा हम ईडब्ल्यूएस कैटेगोरी मेरा 56 मार्क्स है, मेरा नहीं हुआ है। एक सेम लड़का जिसका 56 मार्क्स है उसका रोल नंबर शो कर रहा है, ये किस प्रकार का रिजल्ट है, ये किस प्रकार की बात करते हैं? जबकि सीटेट अपियरिंग जो डिस्क्वालिफाइड कर गए हैं सीटेट में, वो तो अब बीपीएससी टीचर बन नहीं सकते हैं, तो वो सीट तो खाली हो जाएगा। डीएलईडी में जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं किए वो भी तो फेल हो जाएंगे, तो उसका भी तो फिर ये पारदर्शिता तो होनी चाहिए। जी जी, यही हम लोग की यही मांग है कि सर जो भी हो पारदर्शिता के साथ हम लोग के सामने उस बात को लाया जाए। अगर पारदर्शिता रिजल्ट में नहीं बनती है तो फिर उनके बयान का क्या हुआ, क्यों बोले वो कि रिजल्ट जो होगी उसमें पूरा पारदर्शिता बरती जाएगी। किसी का 3-3 पोस्ट पे है, किसी का 3-3 जगह है, किसी का एक भी जगह नहीं है। चलिए और भी अभ्यर्थियों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है जिसके लेकर के आप। सर हम लोग 9th-10th के हम लोग कैंडिडेट हैं, बीपीएससी से हम लोग जान दिए हैं, और हम लोग एक ही मांग है कि नियमावली को पालन किया जाए, जिसमें हम लोग का मुख्य मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। बस सर हम लोग का मुख्य मांग यही है। अतुल प्रसाद जी हम लोग का मांग नहीं है, बल्कि ये विज्ञापन में सर लिखा हुआ है। और अतुल प्रसाद सर एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें बताए हैं कि पहले हम 9-10, 11-12 को देंगे और जो हाँ फिर 9-10 को देंगे, और जो कैंडिडेट को 11-12 में हो जाएगा उसको हम 9-10 में नहीं देंगे। लेकिन कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को देंगे, जिसमें कारण बताएं कि यदि अगर कोई लड़का अगर पीजी में अयोग्य हो गया किसी कारण से और वो 9-10 में योग्य है, उसको साथ अन्याय होगा, उसको हम लोग न्याय नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम फॉर्मूला बताएं, हमारी कहना है सर कि यदि अगर आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य आप हुए हो गया, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम करवा रहे थे ना, आप मुजरा तो नहीं ना करवा रहे थे, आप ऑर्केस्ट्रा तो नहीं ना करवा रहे थे, तो फिर आप क्यों इसको हवाला देकर के बहाना बना देते हैं? क्या मनसा हो सकता है, क्या हो सकता है?
मंशा सर हम लोग यही है कि यदि अगर विज्ञापन का पालन नहीं होगा, अगर छात्र हित के हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। शौक नहीं मजबूरी है और आंदोलन करना हम लोग के जरूरी है, इसके तर्क पर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है अतुल प्रसाद जी का क्या मंशा है? जब एक समय बोले थे नोटिफिकेशन में भी उन्होंने कहा था कि अगर 11th 12th में उसका मेरिट बनता तो उसी में देंगे, 9th 10th में नहीं देंगे, लेकिन अब दोनों में दे दिए, तो आपको क्या लगता है क्या मंशा हो सकता है? मंशा उनकी, हमको जहां अनुभव है मंशा उनको खराब है और स्टूडेंट को ज्यादा रिजल्ट देना नहीं चाहते हैं, बल्कि सरकार का वो चौपलेसी कर रहे हैं, चटकारता कर रहे हैं और खाली अखबार में दे रहे हैं कि हमने 1,22,000 1,00,000 इतना स्टूडेंट को हम दे दिए, खाली उस रो कैलकुलेशन करके आम पब्लिक को बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर पता चलता है कि 5,00,000 रिजल्ट नहीं दिया है बीपीएससी। एक तरफ जहाँ अगर बात की जाए तो अतुल प्रसाद ने ये कहा था कि लगभग 75% सीट जो है वो फुल की जाएगी, चाहे 11th 12th हो या 9th 10th हो या प्राइमरी हो, लेकिन अगर हिंदी में जो रिजल्ट दिए गए 3200 सीट में 700 कुछ अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, उसमें 525 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए, तो क्या आप टोटल संख्या के हिसाब से आप 75% निकाले हैं? क्या आपने नोटिफिकेशन को क्यों नहीं माना? तमाम छात्र और भी हैं, उनसे भी जानते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग लगातार प्रदर्शन? देखिए मामला ये है कि कल अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व में जो उन्होंने बयान दिया था उस बयान से ही वो पलटी मार दिए। पहले वो बोलते थे कि हम ऊपर से बहाली लेंगे, एक कैंडिडेट का एक ही सीट पर रिजल्ट देंगे, हम ऊपर से उठाएंगे चूंकि रोल नंबर एक ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उच्च माध्यमिक में भी उसी कैंडिडेट का देंगे, माध्यमिक में भी देंगे। विज्ञापन में देखिए साफ साफ लिखा है कि मेघाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमान्यता और रिक्ति उपलब्धता के आधार पर उन्हें पद आवंटित किए जाएंगे। किसी अधिमान्यता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। एक ही सीट तो दो सीट पर क्यों दे रहे? आप अपने नोटिफिकेशन को भी वायलेशन कर रहे हैं, इस मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हम लोग को विवश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक सीट पर एक ही रिजल्ट हो, ताकि सीट बचे जिससे कम मार्क्स वाले का भी हो, और नहीं तो ये सीटों का घोटाला होगा, ये रिक्ति को चोरी होगा। इसलिए नोटिफिकेशन का पालन करते हुए रिजल्ट जारी किया जाए, उच्च माध्यमिक का रिजल्ट पहले जारी हो, माध्यमिक का रिजल्ट बाद में जारी हो, भले माध्यमिक का रिजल्ट देरी से हो जाए, लेकिन इसका नोटिफिकेशन का पालन करते हुए हो। क्या लगता है मंशा क्या हो सकता है अतुल प्रसाद का? अब अतुल प्रसाद जी को तो हम लोग कल से अतुल प्रसाद जी को हम लोग कल से ट्विटर के माध्यम से मामले को संज्ञान में दे रहे हैं, नोटिफिकेशन को भी टैग करते हुए, और पूर्व के बयानों को उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उनके स्टेटमेंट को भी याद दिला रहे हैं। अब करना नहीं करना उनके हाथ में है, और हम लोग लगातार यहाँ बैठ करके उनसे मिल करके चाहते हैं कि हम लोग की वार्ता हो जाए, तब हम लोग की स्थिति स्पष्टजनक जवाब मिल जाए, लेकिन हम लोग की वार्ता नहीं की जा रही है, इसी मजबूरी में आकर हम लोग गेट पर बैठ गए। अभी अगर बात की जाए तो तमाम रिजल्ट जो है जारी कर दिया, लेकिन कट ऑफ का पता ही नहीं कि कितने कट ऑफ आ रहे हैं, कितना मार्क्स पे लोग कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अतुल प्रसाद पारदर्शिता बरत रहे हैं या नहीं बरत? वो तो OMR दिए हैं तो एक बढ़िया काम है। हाँ, कट ऑफ जारी किया जाए, अभी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, जब तक कट ऑफ नहीं दिया जा रहा है, अगर कट ऑफ दे दिया जाएगा तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये थे तमाम अभ्यर्थी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि BPSC का जो एग्ज़ाम जो है जारी, उसका रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए तो अतुल प्रसाद का सीधे तौर पे ये कहना था कि अभ्यर्थी जो 9th 10th और 11th 12th के लिए फॉर्म भरे हैं वो अगर 11th 12th में क्वालिफाई कर जाते हैं तो 9th 10th में उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया है तो 11th 12th और 9th 10th दोनों में ही रिजल्ट उनका जारी किया गया है, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित है, और इनका कहना है कि मंशा जो है BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद का नहीं है, ताकि बच्चे जो हैं पास करके जो बच्चे छूट गए हैं वो क्वालिफाई करके टीचर बने, क्योंकि अगर जो बच्चे 11th 12th में क्वालिफाई कर गए हैं तो उनका 9th 10th में देना ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि वो नहीं चाहते हैं कि बाकी जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं वो पास करें और BPSC तैयारी के तहत शिक्षक बने। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।